हमारे दादा दादी नाना नानी बहुत खुश लग रहे। ये वीडियो पूरा देखिए, इसमें इन्हें बनाने के बारे में कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताने वाली हूँ। नमस्ते मित्रों, सारिकास आर्ट फंडाज में आपका स्वागत है। हमें अपने दादा दादी नाना नानी बहुत अच्छे लगते हैं, और अगर वो गांव में दूर भी रहे तो हमें उनकी याद हमेशा आती है। तो फ्रेंड्स, आज हम दादा दादी या नाना नानी जैसी गुड़िया बनाना सीखेंगे, जिसके लिए हमें दो सैनिटाइजर के बॉटल, कलर्स, क्ले, फेविकॉल और दो बॉल ब्रश, इन मटेरियल की ज़रूरत है। बॉटल के ऊपर बहुत सा फेविकॉल लगा के हम दोनों बॉल को इस तरह चिपका लेंगे और 2-3 घंटे सूखने देंगे। अभी हम क्ले चिपका के गुड़िया को आकार देंगे। ये है गुड़िया का नाक, ये है उसके कान, ये है होंठ। अभी हम बना रहे हैं टर्बन या फेटा शेप्स को चिपका के। अब हम फेटे में दो शेप्स और जोड़ रहे हैं इस तरह से। अब हम इस तरह से गर्दन में क्ले लगाएंगे। इस तरह से हमने शोल्डर्स में क्ले ऐड किया। इस तरीके से हम बना रहे हैं दादाजी का पेट थोड़ा सा। इस तरह से हमने चिपकाए दादाजी के पैर, वो मांडी डाल के बैठे हैं, ऐसे दिखाया है। अभी हमने चिपकाए उनके हाथ, बाद में इसे पूरा हम कलर करेंगे। पहले हम उनका स्किन कलर देंगे। ये प्लास्टिक और क्ले है, इसलिए हमें 2-3 बार कलर देना पड़ेगा, लेयर्स। चेहरे को, हाथ और पाँव को हमने कलर कर लिया। अब हम कलर करेंगे दादाजी नानाजी का शर्ट पीले कलर से। जहाँ जहाँ क्ले लगा है उधर हमें 2-3 बार कलर करना पड़ेगा। पोस्टर कलर को हम डायरेक्ट लगाएंगे, उसमें पानी मिक्स नहीं करेंगे, नहीं तो कलर ठीक से बैठेगा नहीं। अब हम उनकी धोती को व्हाइट कलर से पेंट करेंगे इस तरह से। अब हम कलर करेंगे उनका टर्बन या फेटा। फेटा दिखाने के लिए हमने वॉल पे भी थोड़ा कलर करके लिया है इस तरह से। अब हम इसे 3-4 घंटे तक सूखने देंगे। हम अभी चेहरे के फीचर्स कलर करेंगे। दादाजी नानाजी बूढ़े होते हैं, इसलिए उनकी आईब्रोज, उनके बाल कुछ काले कुछ सफ़ेद रहते हैं, हम वैसे ही दिखाएंगे। आँखों के शेप में व्हाइट कलर सफ़ेद कलर करके लेंगे। काले रंग के कुछ टचेस देंगे इस तरह से। आँख
हम थोड़ा सा ग्रे कलर करके मूंछ में और बाल में टचअप्स देंगे। ब्लैक प्लस व्हाइट ग्रे कलर। दादाजी के फेटे में हम कुछ गोल्डन टचअप्स देंगे। इस तरह से अभी हम शर्ट में कॉलर दादाजी को हमने एक टिक्का लगाया और उनके हंसते हुए होंठ कलर कर रहे हैं। देखिए दादाजी कितने खुश लग रहे हैं। ठंड बहुत है इसलिए हम दादाजी को मफलर पहनाएंगे यानी चिपकाएंगे। इसी तरह हमने उनको शाल भी पहना दी। हमारे दादाजी कैसे खुशी से इधर उधर देख रहे हैं। हम इस बॉटल पे देवी माँ की साड़ी चिपका के और पीछे से बांध के लेंगे। लेस का एक छोर हमने दादी के जूड़े के ऊपर गजरे की तरह चिपका दिया। अब हम चिपका रहे हैं दादी जी के ब्लाउज के स्लीव्स हाथ। देवी माँ की जो ओढ़नी मिलती है उससे हम दादी जी का पल्लू बनाएंगे। अब हमने क्ले से चिपका लिए दादी जी नानी जी के हाथ और उनके हाथ में एक लड्डू रख दिया। वो हमारे लिए लड्डू बना रहे हैं। अभी हम इसे 2-3 घंटा सूखने देंगे, बाद में कलर करेंगे। हमने क्ले और मोल्डेड से कुछ और लड्डू बना लिए। अभी हम सबको येलो कलर से कलर करेंगे। हम लेमन येलो प्लस ऑकर येलो मिक्स करके ये लड्डुओं को कलर करेंगे। बेसन लड्डू जैसा कलर। अब हम नानी जी दादी जी के गुड़िया को कलर करेंगे। स्किन कलर से स्टार्ट करेंगे पहले। अभी हम नानी जी के बालों को ग्रे टचअप्स देंगे। कुछ टचअप्स हम व्हाइट कलर के भी देंगे क्योंकि एजेड लोगों के बाल व्हाइट होते हैं। व्हाइट कलर से आंखों का आकार बनाएंगे। ब्लैक कलर से आंखें कलर करेंगे। शेडिंग करके ग्रे और व्हाइट कलर से आइब्रो बनाएंगे। इस प्रकार से हल्दी और कुमकुम बनाएंगे। मांग भरेंगे। हंसते हुए होंठ बनाएंगे सेमी सर्कुलर और होठों का शेप देंगे। इस तरह गालों को थोड़ा गुलाबी कलर करेंगे। अब हम दादी जी के गहने बनाएंगे, पेंट करेंगे, कुछ पहनाएंगे।
हरी बंगड़िया, ग्रीन बैंगल्स, डेलिकेटली पेंट करेंगे। ब्लाउज का पिंक कलर, हमने अभी दादी जी को कुछ गहने पहनाए, गजरा पेंट किया, गोल्डन कलर से ब्लाउज पे कुछ डिज़ाइन बनाएंगे, बॉर्डर। हमारी नानी जी की गुड़िया भी बनकर तैयार है, लड्डू भी तैयार है। अच्छा लगा ना मेरा ये वीडियो आपको? मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन दबाइए लाल रंग का। थैंक यू।